1600 में आज के दिन मुगल बादशाह अकबर ने अहमदनगर पर विजय हासिल की थी। 1666 में आज के दिन छत्रपति शिवाजी आगरा में फलों के टोकरे में छिपकर औरंगजेब की कैद से फरार हुए। 1757 में आज के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले 1 रुपए के सिक्के की ढलाई की थी। 1796 में आज के दिन स्पेन और फ्रांस ने ब्रिटेन गठबंधन के खिलाफ हस्ताक्षर किए। 1887 में आज के दिन क्रांतिकारी नेता एस सत्यमूर्ति का जन्म हुआ, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा जेल गए। 1897 में आज के दिन लंदन में पहले इलेक्ट्रिक टैक्सी का परिचालन किया गया। 1907 में आज के दिन निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। 1908 में आज के दिन प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल राशिद खान का जन्म हुआ। ये ग्वालियर घराने से थे। अब्दुल राशिद खान लगभग 20 वर्ष तक ITC संगीत अनुसंधान अकादमी से जुड़े रहे। इन्हें वर्ष 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 105 वर्ष की उम्र में पद्म भूषण पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। 1918 में आज के दिन भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ। आज के दिन 1919 में अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 1964 में आज के दिन संचार उपग्रह सिनकॉम 3 का प्रक्षेपण किया गया। 1977 में आज के दिन सोवियत संघ ने सेरी सागान में परमाणु परीक्षण किया। 1993 में आज के दिन हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता उत्पल दत्त का निधन हुआ था। 1999 में आज के दिन भारत की परमाणु नीति मसौदे से नाराज G8 के देशों ने सभी तरह की मदद पर रोक लगाने की घोषणा की। 2000 में आज के दिन हीना जलाली विश्व की पहली मानवाधिकार संरक्षक प्रतिनिधि नियुक्त हुई थी। 2004 में आज के दिन वान डेन हुजेन बैंड ओलंपिक सबसे तेज तैराक बने। 2006 में आज के दिन इजराइल ने फिलिस्तीनी उप प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया था।